हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आई होप सब ठीक होंगे। और आपका भाई आज फिर से तैयार हो गया है और निकलते हैं किसी लोकेशन पर। आज के ब्लॉग को एंड तक देखना, बहुत मज़ा आने वाला है। तो फ्रेंड्स, आपका भाई निकल चुका है रोड पर। तो फ्रेंड्स, वही अपना एक रोड, वहीं से निकलते हैं हम हर जगह के लिए। आगरा में किसी भी जगह जाना हो तो अपना NH2। तो फ्रेंड्स, आपका भाई पहुंच चुका है लंगड़े की चौकी। फ्रेंड्स, भगवान टॉकीज आ चुके हैं और ये है श्री टॉकीज और इधर है अपनी हीरा टॉकीज। और फ्रेंड्स, ये है अपनी भगवान टॉकीज जिसमें पिक्चर वगैरह चलती हैं और ये है अपना MG रोड। फ्लाईओवर से नीचे उतर रहे हैं हम और चलते हैं अपनी आज की लोकेशन पर। तो फ्रेंड्स, अभी हम पहुंचने वाले हैं बोदला। तो आज की लोकेशन है हमारी गुरु का ताल, जिसे आगरा का गुरुद्वारा भी बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, DSLR से ब्लॉग बनाने में मज़ा ही कुछ और आता है और पब्लिक रिएक्शन बहुत खतरनाक वाली देती है। तो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं अपनी लोकेशन पर और अपनी गाड़ी पार्किंग में लगाते हैं। उसके बाद अपनी लोकेशन आपको आज की दिखाएंगे। और ये गई गाड़ी पार्किंग में और ये है अपनी आज की लोकेशन जो मैं आपको बता ही चुका हूँ। तो फ्रेंड्स, हम अपनी आज की लोकेशन पर पहुँच चुके हैं और आप हमारी लोकेशन आज की देख ही सकते हैं सामने, जो सिकंदरा पर बना हुआ गुरुद्वारा, जो संत बाबा साधु मुनि जी के नेतृत्व में 1970 में बनवाया गया था। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ की ग्रीनरी कितनी अच्छी है और ये पार्क देखिए आगे बना हुआ है। और ये गुरु तेज बहादुर सिंह की ये मूर्ति है गुरुद्वारे के अंदर। और आप यहाँ के पार्क को डिज़ाइन देख सकते हैं और चिड़ियों की ये कटिंग बनी हुई है। इधर लिखा हुआ है, आप देखिए, नंगे सिर फ़ोटो खींचना सख्त मना है। तो इनका ये रूल्स होते हैं, वो फॉलो करने ही पड़ते हैं। और इधर सिख लोग बैठे हुए हैं, इधर सिख गुरुओं के 9वें गुरु तेज बहादुर जी की मूर्ति जो बनी हुई है। यहाँ पर पहले एक ताल बना हुआ था जहाँ पर गुरु जी ने अपने हाथ देखे थे औरंगजेब के सामने, अपने आप को समर्पित किया था। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर सिर खुले रखना बिल्कुल सख्त मना है, तो मुझे भी सिर बांधना पड़ा है। फ्रेंड्स, अभी हम अंदर चल रहे हैं और अभी हमें जूते चप्पल भी रखने हैं अपने। और आप देखिए यहाँ से गुरुद्वारे का नज़ारा, ये सोने टाइप के ऊपर कलश लगे हुए हैं। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ होकर सीधे अंदर जाएंगे ऊपर की साइड और इधर जलाशय में पैर भी धोने पड़ेंगे। और ऊपर आप देखिए,
आप देख सकते हैं सीढ़ियाँ। तो फ्रेंड्स अभी हम अंदर दर्शन करके आते हैं, और अंदर आपको कुछ नहीं दिख रहा होगा, अंदर ये पत्थर आप देखिए कितने सफाई है इन पत्थरों का, और डिजाइन आप देखिए, और इधर बुजुर्गों के लिए लिफ्ट बना रखी है जो गोल्डन कलर में हो रखी है, बहुत सुंदर लग रही है। तो फ्रेंड्स आप यहाँ देखिए एक लोग यहाँ पर उनका निवास है, और आप देखिए इधर ये बने हुए हैं बरामदा टाइप, और आप देखिए इधर के पत्थर बहुत ज़्यादा वाइट वाइट बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो फ्रेंड्स आगे इधर लंगर भी चलता है इस हॉल में, तो अभी हम अंदर भी जाएंगे लंगर खाने। फ्रेंड्स आप देखिए ग्रीनरी यहाँ की, और ये आगे इनका एक बहुत मंदिर बना हुआ है जिसमें हथियार वगैरह रखे हुए हैं अंदर। तो फ्रेंड्स यहाँ पर भी पैर धोकर जाने हैं अंदर, और आप अंदर देख सकते हैं। जो गोल्डन कलर का है मंजी साहब की। तो फ्रेंड्स आप ये हथियार देख सकते हैं जो मंजी साहब के हथियार हैं, और ये अंदर रास्ता गई हुई है। फ्रेंड्स आप बाहर देख सकते हैं यहाँ से आगरा वाला रोड जो गया हुआ है NH2, यहाँ से साफ दिखाई देता है। तो फ्रेंड्स जो सिकंदरा पर स्थित गुरुद्वारा है अपना, वो सामने है, आपको दिखाई चुके हैं पूरा। तो फ्रेंड्स आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करता हूँ, मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए बाय।